बिहार बंद है, बंद है। सरकार का निकला आज महामंत्री दलों के आह्वान पर पूरा बिहार बंद है, बंद है, बंद है। नमस्कार, मैं हूँ साहब अली और आप देख रहे हैं livec.in। मुजफ्फरपुर महापाप को लेकर के बिहार में सियासत बहुत गर्म है। आज बिहार बंद है, वाम दलों ने यह बिहार बंद बुलाया है, जिसको राजद और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। इसके साथ ही साथ कई और पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन इस बिहार बंद को मिला है। बात करें बिहार बंद के असर की, तो सुबह से ही पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। मधेपुरा में सड़क जाम किया गया, आरा में जो पटना आरा मेन मार्ग है, जो मेन रूट है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। आपको बता दें कि जहानाबाद और गया में ट्रेन को रोका गया है, जहानाबाद में जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोक दिया गया, उधर मधुबनी और दरभंगा में भी ट्रेनों को रोका गया है। कई ट्रेनों को रोके जाने से रेल मार्ग के साथ साथ सड़कों पर आगजनी करने की वजह से सड़क जाम के हालात बिहार में बन गए हैं। आपको बता दें कि इस बिहार बंद को लेकर के कई जगहों पर सड़कों पर आगजनी देखने को मिली। अगर बात करें हम नालंदा की, तो नालंदा में लोग सड़कों पर उतर आए, राजद के समर्थक और राजद के कार्यकर्ता, साथ ही साथ वाम दलों के लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो मुजफ्फरपुर मामले को दबाए जाने और मुजफ्फरपुर मामले में सही से जांच नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर लोग लेट गए हैं, भारी विरोध हो रहा है। इधर हम बात करें पटना दिल्ली रूट पर, तो आरा में रेलवे के पास रेलवे स्टेशन पर बवाल हुआ, जिसके बाद से रेल परिचालन थोड़ी देर के लिए ठप रहा, बाद में फिर वो सामान्य हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हम बात करें, तो राजधानी पटना की बात हो या फिर बिहार के अन्य शहरों की बात हो, सभी जगह पे बिहार बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। इधर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी जिलों में, किसी भी तरह की अनहोनी कोई घटना ना हो जाए। आपको बता दें कि सावधान रहने के लिए कहा गया, वो इसलिए क्योंकि राजद भी इस बंद में शामिल है। सावधान इसलिए क्योंकि राजद का बंद किसी से छुपा नहीं है, कितना ज़्यादा बवाल होता है। फिलहाल अभी पटना में क्या कुछ सियासी गहमागहमी बनती है इस बंद को लेकर के, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बंद को लेकर के आगे क्या कुछ होता है, हम आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे तेज अपडेट देंगे। हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।